श्रीमान पवन नैयर जी, राजकीय महाविद्यालय चंबा के 64वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के सम्माननीय संगीत विभाग के विद्यार्थियों मंच पर आए सभागार पर उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि वो राष्ट्रीय गीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विशिष्ट अतिथिगण,
विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, अभिभावक, अध्यापक संघ के समस्त पदाधिकारीगण, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से आए हमारे कर्मठ पत्रकार बंधुवर्ग, हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी, महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी, अकादमिक शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्रीड़ात्मक क्लब सोसाइटी एनसीसी एनएसएस रोबो रेंजर्स व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आज पुरस्कार हासिल करने वाले हमारे विजेता गण व प्यारे बच्चों, जैसे कोई बाग बिना बागवान के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, वैसे ही एक उत्सव गुणीजनों, समाज के वृष्टजन एवं महान शख्सियतों के प्रेरणादायी सानिध्य के बिना निष्प्राण हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज राज्य के महाविद्यालय चंबा के 64वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे विराट व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने अपनी अभिनव सोच, अपने कुशल नेतृत्व, रचनात्मक पहल एवं जन कल्याणकारी कार्यों से सभी को अचंभित किया है एवं संपूर्ण चंबावासियों को अपना मुरीद कर दिया है। मान्यवर, आप सबके गरिमामयी सानिध्य से ये प्रेक्षागृह, ये सभागार ऊर्जामयी हो गया है, आनंदमयी हो गया है। मैं राजकीय महाविद्यालय चंबा की तरफ से आप सब विभूतियों का राजकीय महाविद्यालय चंबा के 64वें वार्षिक उत्सव के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिवंदन करता हूँ। कार्यक्रम के औपचारिक एवं विधिवत शुभारंभ हेतु मेरा निवेदन रहेगा मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए व माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, आगाज करें।
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो जब तक ये हमारी ये हम इसको प्राचार्य डॉक्टर शिवदयाल जी से कि वो हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बैच लगाकर सम्मानित करें। हिमाचली टोपी पहनाकर मुख्य अतिथि महोदय को हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए माननीय प्रचार और खुशी भी आते निवेदन रहेगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंबा से प्राप्त करते हुए
1976 में इसी महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री, स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की। हम सबको विदित है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक नामी स्पोर्ट्समैन भी रहे हुए हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस अपने चैंपियन जिले के रहे। कई बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चंबा का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में भी आप राज्य टेबल टेनिस संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1986 में नगर परिषद का चुनाव जीतने के साथ की। इसके बाद आपने इस चुनाव में लगातार जीत हासिल की तथा दो बार वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव का लड़ा और शानदार जीत आपने हासिल की। महोदय, आपकी सक्रियता गांव-गांव में, नगर में देखी जा सकती है। दिन रात आप अपने लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। आप लोगों की समस्या से भलीभांति परिचित हैं तथा उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि आप चंबा के लोगों के दिलों में भी रहते हैं। इससे पहले कि मैं 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करूं, मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि का इस मंगल बेला पर महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राजकीय महाविद्यालय चंबा की स्थापना हम सभी जानते हैं 15 मई 1958 में हुई थी, जो ऐतिहासिक अखंड चंडी पैलेस है, वहां से सफर शुरू हुआ और आज भी वहां पे कुछ क्लासेस हम सबके बीच में, हमें मालूम है कि कुछ क्लासेस हमारी बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए, बीबॉग, इग्नो सेंटर, एमए की क्लासेस अभी भी ऊपर चल रही हैं। और आपके कुशल नेतृत्व में ये जो महाविद्यालय के सामने का भवन है, ये भी शीघ्र हमें मिलने वाला है। और ये जो हमारी दोनों जगह आने जाने की जो समस्या है, ये भी शीघ्र ही मुझे लगता है आप इसी सेशन में हमें स्फूर्त करने वाले हैं, जो हम सब विद्यार्थियों को, हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा। महाविद्यालय की जो स्थिति है, यहाँ पे 47 पद हमारे प्राध्यापकों के स्वीकृत हैं, जिसमें से थोड़ा खेद का विषय है कि 18 पद हमारे रिक्त चल रहे हैं। जिले का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का केंद्र बिंदु है ये राजकीय महाविद्यालय चंबा। यदि ये सुदृढ़ होगा तो हमारे आस पड़ोस के जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, हम उनकी भी देखभाल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी भी हमारे प्राध्यापक राजकीय महाविद्यालय तीसा हो, सलूनी हो, अपना ब्रह्मौर हो, दिलकोठी हो, यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं इतना कम स्टाफ होने के बावजूद भी। और अभी भी हमारे 4 अध्यापक आज ही मैंने पांगी को रिलीव किए हैं, वहाँ पे भी उनकी डेपुटेशन जो है सरकार द्वारा की गई है। सरकार की भी मजबूरियां हैं, हमने सभी बच्चों का ख्याल रखना है, तो इसलिए यदि हमारे पास अध्यापक होंगे तो हम अन्य जहाँ पे छोटी स्ट्रेंथ वाले कॉलेज हैं उनकी भी देख रेख कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हमारा म्यूजिक विभाग, जहाँ पे 2 टीचर की पोस्ट हैं, दोनों ही खाली चली हुई हैं। ये हमारा टेम्परेरी अरेंजमेंट है और आपकी मेहरबानी है कि आपने प्रेस माध्यमिक पाठशाला क्रिया से गुलशन जी की सेवाएं हमें मुहैया करवाई हैं। फिलहाल जो प्लस टू स्कूल देखते हैं वहाँ पे इनकी सेवाएं यहाँ पे ली जा रही हैं। जो फिजिकल एजुकेशन, जो इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, वो भी खाली पड़ा हुआ है और उसके लिए भी हिमाचल सरकार आप लोगों की कृपा से ही स्कूल से टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हुए अनिल जी अपनी सेवाएं उदयपुर स्कूल से अपनी सेवाएं यहाँ 15 दिन यहाँ देते हैं, 15 दिन स्कूल में दे रहे हैं। तो ये समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं। ये अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है, इसकी प्राध्यापक की जो पोस्ट है, ये चिंताजनक है। हमारे पास 1000 से ऊपर विद्यार्थी इस विषय को पढ़ रहा है, लेकिन 2 बार आपने ऑर्डर भी करवाए लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उन लोगों ने अपनी एडजस्टमेंटें ले ली और ये जो
समस्या है, ये बहुत गंभीर है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस सेशन में हमारे बच्चों को ये परेशानी ना हो। कम से कम 18 पोस्टों में से फिजिकल एजुकेशन, अपना ये म्यूजिक और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कम से कम 3 पोस्टें हमें शीघ्र अति शीघ्र जो है ये उपलब्ध करवाने की कृपा करें, ताकि हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है ये शिक्षा से वंचित ना रहे। ये हम तो चाहते हैं कि ये 18 की 18 पोस्टें जो है ये आप इनको भरने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी हमारे नॉन टीचिंग में भी कुछ पद खाली हैं, जिसमें क्लैरिकल की पोस्ट भी यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, असिस्टेंट की खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे इतना विद्यार्थी है, इनका रोज पत्राचार इसको महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो मुझे आपकी ओर से आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही हमें क्लैरिकल की पोस्ट भी आप भर के देंगे, चाहे ट्रांसफर करा के लाएंगे, चाहे जो भी आपकी क्षमता, इसको अभी जाते ही 2-3 दिनों में ही हमें इस चीज़ की उपलब्धता करवा देंगे। विद्यार्थियों की संख्या का जहां तक प्रश्न है, हमारे पास 4,569 विद्यार्थी इस समय राजकीय महाविद्यालय चंबा में अध्ययनरत हैं, जिनमें 2,223 छात्र हैं और 2,346 छात्राएं हैं। कुछ नंबर इनका बड़ा है, छात्राओं की भागीदारी इस महाविद्यालय में बढ़ चढ़ के रह रही है और हर क्षेत्र में ये भी किसी चीज़ से मैं पीछे नहीं है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। 2021-22 के जहाँ तक परिणाम की बात है, अच्छे परिणाम विद्यार्थियों ने अच्छे हालांकि ये समय बहुत सारा सबके लिए क्रिटिकल था, कोरोना की महामारी फैली हुई थी, जीवन ऐसा गया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपना पूरा मेहनत करके अच्छे परिणाम महाविद्यालय के लिए लाए, जिसमें बीए का परिणाम जो 92% रहा, बीकॉम का 93% रहा, बीएससी का 86% रहा, बीबीए का 96% रहा, बीसीए का 93%, बीबॉक का 85%, पीजीडीसीए का 74%, इसी प्रकार से एमए इकोनॉमिक्स 89%, इंग्लिश 78%, हिंदी का 100% और पॉलिटिकल साइंस 94%, हिस्ट्री का 80%। तो सभी विद्यार्थियों ने, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, इन्होंने अच्छा महाविद्यालय के लिए एक अच्छा परिणाम जो है ये लाया है, जिसके लिए पूरा विद्यार्थी वर्ग मेरा बधाई का पात्र है। यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी होती है, जिसकी श्रृंखला में डॉक्टर तेज सिंह इसके परीक्षा नियंत्रक हैं, सुनील कुमार जी अपने डिप्टी हैं, और ये मिड टर्म असेसमेंट विद्यार्थियों की सारा देखते हैं, और आज की वार्षिक पारितोषिक जो ये सारे मोमेंटोस हैं, चाहे इसका आंकलन है, ये सारा पूरी टीम के, इनको तो मुखिया बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे पूरा महाविद्यालय का परिवार जो है दिन रात एक कर रहा है। महाविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, IRTP वर्ग हो, तो इनके लिए छात्रवृत्ति के भी प्रावधान जो रहते हैं। 2020-21 में कुल 48 छात्रों को 70, 2021-22 में 41 छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त हुए, और इनको जो है ये छात्रवृत्तियाँ जो है वो सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। खेल कूद गतिविधियों में भी महाविद्यालय हमारा पीछे नहीं रहता, लेकिन प्राध्यापक नहीं होने के बावजूद भी अभी अपना पुलिस ग्राउंड में भी वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आपका ही हमें सानिध्य मिला था मुख्य अतिथि के रूप में, और उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिए। आगे भी हमारी हॉकी की टीम जो है ऊना खेल के आई है, यहाँ पे जो पूरे स्टेट का था, सभी महाविद्यालय यहाँ पे शतरंज महिला और मैन और वुमेन दोनों यहाँ पे प्रतियोगिताएं हुई, हमारे बच्चे इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्ट हुए और वहाँ पे भी खेल के आए हैं। इरावती बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इरावती पत्रिका का भी प्रकाशन होता है, जिसमें महाविद्यालय की टीम हमारी मुख्य संपादक अविनाश जी हैं, और इसी प्रकार से अंग्रेजी हिंदी सभी पाढ़ी सेक्शन में हमारे प्राध्यापक वर्ग जो हैं इनकी देखरेख में
में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस हिराब्दी का भी प्रकाशन होता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेंटर हमारे महाविद्यालय में चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स यूजी पीजी कोर्सेज जो हैं वो भी दूर दराज के क्षेत्र के जो सीधे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते बच्चे, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर के द्वारा ये बच्चे यूजी पीजी क्लासेस की जो है काफ़ी संख्या में ये अध्ययनरत हैं इसी सेंटर में। पुस्तकालय जो है हमारा, ये भी इसमें बच्चों के लिए हमने अभी भी 5 लाख की किताबें रिसेंटली खरीदी गई हैं। इनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सारी, चाहे जनरल हो, सारी सुख सुविधाएं आप लोगों के सहयोग से, हिमाचल सरकार के सहयोग से इनके लिए, चाहे वो डिजिटाइज ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है, अलग कॉर्नर है। इनकी एंट्री का जहां तक सवाल है उसके लिए ऑनलाइन एंट्री, कौन बच्चा एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, ऑनलाइन इनका किताबों का कौन सी किताब देखनी है, कौन सी निकालनी है, वो सारी व्यवस्थाएं हमने इनको लाइब्रेरी में भी करके दी हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है ये भी हमारी बखूबी, जहाँ पर भी चाहे वो बाजार समाज में कोई भी योगदान है, साफ सफाई का काम है, एनसीसी एनएसएस का यूनिट हमारा जो अविनाश जी और ये अपने अनित जी की देखरेख में ये दोनों यूनिट जो है ये चल रहे हैं। मैडम भी अपनी ज्योग्राफी से ये भी इसमें अपना सहयोग देती हैं, और चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, चाहे साफ सफाई की बात है, समाज जागरण की बात है, तो इनमें हमारे बच्चे जो हैं समय समय पर भाग लेते हैं। अच्छा, एक कॉलेज का नाम जो है वो हमें लाते हैं। ये महाविद्यालय में पीटीए का गठन भी यहाँ पे हुआ है, जिसमें राजेश कुमार जी प्रधान हैं। इसी प्रकार से ये जो टेक्निकल एडवाइस के लिए हमने पीडब्ल्यूडी से भास्कर सहगल जी इसको देखते हैं। एलुमिनी एसोसिएशन जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसका भी हमने गठन किया है, और उसका रजिस्ट्रेशन एचपी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी। और इसमें जो प्रधान पद के ऊपर हैं जगदीश ग्रोवर जी, उसको देखते हैं। वो प्रधान हमारे मनोज शर्मा जी समाज सेवी, सलारिया जी हमारे प्रोफेसर साहब, ये इसके महासचिव हैं। इसका गठन हुआ है, ये अभी चल रहा है, और जितने भी इस मंच से मैं जो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं 1958 से लेकर के आज तक, सब लोगों से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि इस एलुमिनी एसोसिएशन से, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ें, और जो भी हमारा तिनका यदि हम उसमें अपना योगदान देते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए जो भी कमियां पेशी हैं हम उनको भी आप लोगों के सहयोग से उसको भी दूर कर सकते हैं, और इस महाविद्यालय को और आगे बढ़ाने में आपके कुशल नेतृत्व में इसे हम आगे ले जाने का प्रयास जो है हमारा महाविद्यालय परिवार जो है वो दिन रात कर रहा है। रोबर रेंजर के गाय की बात हो, रेड रिबन क्लब की बात हो, हमारा महाविद्यालय जो भी बच्चों के सर्वांगीण विकास की बातें हैं, चाहे एक बार श्रेष्ठ बात की बात हो, ये सभी प्राध्यापकों के सहयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन क्लब्स के द्वारा सोसाइटीज के द्वारा हर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सब्जेक्ट्स की हर सब्जेक्ट की सोसाइटी बनी हुई है, हर बच्चा उसका मेंबर है, हर सोसाइटी की ओर से अपना अपना कार्यक्रम लिया जाता है, चाहे वो समाज सेवा की बात है, समाज जागरण की बात है, हमारा समाज में क्या योगदान हो सकता है, किस प्रकार से एक संस्कारित विद्यार्थी इस महाविद्यालय से निकले, और पढ़ाई ही इनका मकसद नहीं है, आगे जाने वाले भारत को कैसे ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। युवा वर्ग है हमारा, ये सारा युवा शक्ति भारत के पास, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में है। इनकी दिशा दशा
कैसे निकल सकती है, पूरा विश्व को ये शांति का उपदेश कैसे देने वाले हैं, कैसे विशेष दूत बनने वाले हैं उनकी सर्वांगीण विकास के लिए, इन गतिविधियों के द्वारा इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे संस्कारों की बात है, चाहे पढ़ाई की बात है, चाहे कंपटीशन की बात है, उन सभी बातों को संजोते हुए हम इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इन्हीं के विकास के लिए यहाँ पे आईएएस का कोचिंग सेंटर भी हमने शुरू किया हुआ है, उसको भी फ्री कोचिंग इनको दी जा रही है। जो ऐसी ही कोचिंग यदि हम दिल्ली में लें तो 3-4 लाख रुपए कम से कम उसका खर्चा आता है, लेकिन वो खर्चा हमने इन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल मुफ्त कराया हुआ है और सारी वो सुविधा जो है यहाँ पे इनको उपलब्ध करवाई गई है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए पीजीडीसीए ये तो हमारे चल ही रहे हैं। बीबॉक में भी हमने किस प्रकार से स्वरोजगार के साथ पढ़ाई को जोड़ा जाए इसके लिए 2 कोर्सेज जो हैं इसमें चले हुए हैं, रिटेल मैनेजमेंट का है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का है, तो इसमें भी ये इन बच्चों के लिए कैसे पढ़ाई करते ही किस प्रकार का रोजगार इनको मुहैया हो उसके लिए ये दोनों कोर्सेज इस महाविद्यालय में चले हुए हैं। 2000 अन्य गतिविधियां जो रही हमारे 25-26 नवंबर को भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्पेस एजेंसी सोसाइटी के तत्वावधान में ये जो हमारा एक्सपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट था उसमें अध्यापकों विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 2 दिवसीय स्कूल बुक कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारी संख्या में बच्चे स्कूल से महाविद्यालय के बच्चे इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था कि किस प्रकार से माइक्रोस्कोप जो है वो अपने लेवल पे ये बना सकते हैं। सड़क सुरक्षा क्लब भी हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जिसके लिए भारत सरकार से लेकर के हिमाचल सरकार जागरूक है। सभी स्कूल कॉलेजेस में जो ये रोड सेफ्टी का जो क्लब है इसका गठन होना है और किस प्रकार से इन दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए, कैसे एक समझदार चालक हम बने, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्या डूज एंड डू नॉट्स, वो सारा इस रोड सेफ्टी क्लब की ओर से इनको समय समय पर जो दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। अभी हमारा यहाँ पे महिलाएं महिला का दिवस यहाँ पे मनाया गया था। वैसे तो हर दिवस महिला का है, हर पल महिला का, हर क्षण महिला का है, लेकिन एक छोटा सा सिंबॉलिक बेस में हमने महिला दिवस यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें पद्मश्री ललिता वकील जी हमारे बीच में रही, उनका मार्गदर्शन सनिधि हमारे बच्चों को यहाँ पे मिला। वर्तमान ये जो हमारी टीम है जिनके कारण ही हम तो जबरदस्ती एक लीडर के रूप में हमें खड़ा होना पड़ता है, जो भी महाविद्यालय का श्रेय है इन अध्यापकों को जाता है, मेरे बच्चों को जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को जाता है, और इन्हीं की उपलब्धियों के कारण महाविद्यालय जो है वो कुछ कर पा रहा है। उसमें वर्तमान सत्र में भी चाहे वो अंग्रेजी विभाग हो, कंप्यूटर हो, हर ज्योलॉजी हो, फिजिक्स हो, सभी प्राध्यापकों ने अपना ये जो समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स इनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए सभी प्राध्यापक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ये 14-14 दिन का कोर्स उन कोर्स में जुड़े रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं और इसी अपडेशन के कारण ये विद्यार्थियों में जो है वो कुछ अपना योगदान जो है और बढ़िया तरीके से देते हैं, जिसमें बहुत सारे प्राध्यापकों में जय श्री हो, चमन जी हो, सुमित हो, अनित कुमार जी हो, शिवानी हो, सुनील जी हो, उपेंद्र गुप्ता हो, परिणीता कुमारी, विदिशु हो, लगभग सभी प्राध्यापकों ने इसमें अपने आप को अपडेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात आती है तो भी हमारे प्राध्यापकों के जिसमें महेंद्र सलारिया जी का विशेषकर योगदान इस महाविद्यालय के लिए उसमें सराहनीय है, इस मंच से मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ और एक अच्छा मंच जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्राध्यापक यहाँ पे आए, उनसे हमारा इंटरेक्शन उनके विचार विमर्श हमें करने को मिले। इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय के 15
से ज्यादा एमओयू इस मॉब रैली को प्राप्त हुए हैं विभिन्न, चाहे वो नेशनल एजेंसीज हो, इंस्टीट्यूट हो, चाहे नेशनल हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे भारत वर्ष के हर कोने से हमने एमओयू इन बच्चों के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाए बेहतर मिल सके वो एमओयू भी इस महाविद्यालय ने किए हैं, ताकि चाहे ऑनलाइन बच्चों को जोड़ना हो, चाहे उनको यहाँ पे बुलाना हो, कल्चरल एक्सचेंज की बात है, पढ़ाई की बात है, ये सारी चीजें उसमें हम समाहित करके इस महाविद्यालय को आगे ले जाने का एक प्रयास जो है वो हमारा चला हुआ है। बहुत सारे ऐसे आयोजन, ये तो कोरोना महामारी का समय था, लेकिन फिर भी हमारे प्राध्यापकों ने, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने जो क्लब सोसाइटी हैं उसके अंतर्गत इतने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिनका व्याख्यान करने में यहाँ पे कई घंटे लग सकते हैं, तो उनको सबको मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। जो जहाँ तक महाविद्यालय की उपलब्धियों की बात है, छोटे मोटे जो किस्से हैं वो आप सब लोगों के सहयोग से, मेहनत से वो जुड़ते चले जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो ग्रीन चैंपियन का अवार्ड हो आपके महाविद्यालय को, वो भारत सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये दिया गया है, हिमाचल सरकार की ओर से हमारे माननीय विधायक के प्रयासों के अनुसार इस महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय घोषित किया गया है, और उसके लिए हिमाचल सरकार की ओर से 1 करोड़ की राशि इन्होंने एकदम उपलब्ध की है, और वो उपलब्धि नहीं की है उसका खर्चा भी ये आपके सामने है, चाहे वो इस जो 10-12 लाख का आपको स्टेज जो है ये इनके प्रयासों से ही आप लोगों को मिल रहा है, 4 दीवारी की बात है, महाविद्यालय के भवन की बात है, बेस मैनेजमेंट की बात है, बाहर यहाँ पे कूड़ा करकट चाहे सॉलिड है चाहे वो गीला है कचरा, उस सबका मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बढ़िया गेट के पास बड़े वो बिन जो है लग रहे हैं, और अध्यक्ष महोदय यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके प्रयास से इनके साथ में हमारा एमओयू है, और इनकी गाड़ी इनके दिशा निर्देश से गाड़ी आएगी, और यहाँ पे कूड़ा कचरा इतना तिनका भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इस सेशन में, ये इनके प्रयास से उनको निर्देशित किया गया है, जो भी नगर पालिका की गाड़ी है वो गेट से ही जहाँ पे कचरा इकट्ठा होगा वहाँ से दोनों ही गीला भी और ठोस भी दोनों प्रकार का कचरा वहाँ जाएगा, आपकी केमिकल मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बाहर उसका भी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है, वनस्पति छोटा छोटा ये जो झाड़ियाँ हैं फूल हैं इनका मैनेजमेंट करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है, उस पेज से मैन्योर प्राप्त वो भी दो कर नहीं फेंकना है, यहाँ पे एक तिनका भी इस महाविद्यालय में आगे इस सेशन में जला नहीं सकता, पर्यावरण को किस प्रकार से हमने सुरक्षित करना है इसकी ओर भी महाविद्यालय परिवार का बिल्कुल सख्ताई से कड़क उससे ये हो नहीं सकता, इसको हम लागू करके रहेंगे, और इसी श्रेणी में हर महीने का जो पहला शनिवार है हमारा नो व्हीकल डे घोषित है, कोई भी उस दिन पहले शनिवार को महाविद्यालय में किसी का भी यहाँ पे व्हीकल चाहे गाड़ी है चाहे स्कूटर है कुछ भी एंटर नहीं होता, ये पिछले 2 महीनों से ये लागू हो चुका है, उसमें सभी हम लोग चाहे इकट्ठे होकर के आए चाहे सरकारी गाड़ी में आए चाहे पैदल आए महाविद्यालय में डे हमारी पैदल होती है और ये होती ही रहेगी, ताकि हम क्या अपने आप से पर्यावरण को क्या दे सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास अपने से करने पड़ेंगे तभी हम चंबा को आगे ले जा सकते हैं, अपने देश में इसका नाम ले सकते हैं, यही प्रयास हम सबको करने पड़ेंगे, ऐसे प्रयास वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे ये जो बायोगैस का प्लांट है वो भी ये जो उत्कृष्ट महाविद्यालय की योजना आई है उसमें भी वो भी लगने वाला है, वो भी इसी सेशन में आपको मिलेगा, आपके स्मार्ट क्लासरूम आप देख रहे हो, बहुत सारे
जितने भी हमारे क्लासरूम में स्मार्ट हो चुके हैं, सारी व्यवस्था आपको स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा पढ़ाई जो है मुहैया करवाई जा रही है। और अभी उत्कृष्ट महाविद्यालय की ओर से, हिमाचल सरकार की ओर से जो राशि उपलब्ध करवाई गई है उसमें 25 लाख से ज्यादा परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा उसकी परचेज जो है वो होके आ रही है। वो चाहे एलईडी की बात है, बाहर आपको डिस्प्ले बोर्ड नोटिस सीधे मिलेगा, वहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, वहीं पे डिस्प्ले होगा कौन सी क्लास क्या है आज की, जो भी सूचना आपको वहाँ पे उपलब्ध होगी। सारे क्लासरूम से लेकर के लाइब्रेरी में लेकर के आपके प्लेसमेंट सेल से लेकर के रिसर्च सेंटर से लेकर के ये सारी व्यवस्थाएं आपको हो रही है। अभी हम आपको इन सभी व्यवस्थाओं को करके देंगे। आपके लिए ये जो अपना कंप्यूटर रूम है वहाँ पे आपके ध्यान में सब में जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब वो ऑलरेडी चली हुई है। इसके अतिरिक्त अभी 2 सॉफ्टवेयर हमने और इंस्टॉल किए हैं, और वो कैसे सॉफ्टवेयर हैं वो आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, रीजनिंग अपनी कैसे बढ़ानी है, जीके अपना कैसे बढ़ाना है, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आप ले सकते हैं इस महाविद्यालय से, लेने वाले बनिए, देने वाले बहुत बैठे हुए हैं हमारे पास। जो भी आपकी मांग है वो हिमाचल सरकार, हम इतना मांगते हैं कि बहुत सारा दे रहे हैं, उसके हम आभारी हैं। ये सारी चीज़ें आपको मुहैया करवाई जाएंगी, आप भी अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए, जितने भी सुख सुविधाएँ आपको दी जा रही हैं उनका प्रयोग कीजिए, फालतू इधर उधर बैठने के बजाय वहाँ पे उसका अच्छा प्रयोग कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को व्यक्तित्व को निखारिए और आगे जा करके अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम जो है वो और रोशन करिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस अवसर पर मैं आप विद्यार्थी वर्ग को देना चाहता हूँ। महोदय, जो आपसे हमारी कुछ मांगे, जो हमारा अनुरोध है, वैसे आपके ओर से हमेशा किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी योजना में है ये आपने भवन तो हमें सपोर्ट करना ही है, ये हमें पता है सबको। जो हमारा ये बाहर वाला एरिया है, यहाँ से नाले तक तो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन को रिटेनिंग वाल लगाते हुए यहाँ पे 4500 विद्यार्थी, हमारा 4600 अभी है, आने वाले समय में ये 10,000 होगा, इनको कहाँ खपाना है। यहाँ तो छोटा छोटा जितना जितना भी हो पाया हमने एक एक कोना, एक एक इंच, जिस प्रकार से हम घर की देखभाल करते हैं वैसा हमारे लिए मंदिर है, हम यहाँ के पुजारी हैं। उन चीज़ों को हमने मैनेज किया है कि चाहे वो नाले से इतना सा ज़मीन भी है उसको भी हमने अपने काबू में किया है, क्योंकि हम बच्चों को हर जगह जितनी भी जगह स्पेस बनेगी इनको हम देंगे, और ये सारी स्पेस इस एरिया से लेकर के आगे तक अंबेडकर भवन तक ये सारा एरिया यदि रिटेनिंग बाल लग जाती है तो मेरे बच्चों को खेलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, अपने शारीरिक अभ्यास क्षमता को बढ़ाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मैदान जो है खेल का जो है वो बन सकता है, इसके लिए हमारा निवेदन है आपसे, इसके लिए प्रयास करें। इसके बाहर वाली जमीन, ये जो नाला है इसके बाहर का जो एरिया है ये भी हिमाचल सरकार का है, इसके लिए भी हमारा निवेदन है कि ये पूरा एरिया आप हमें दें, क्योंकि कॉलेज का प्रोस्पेक्टिव आने वाले 20 वर्ष में क्या हालत होने वाली है ये सारा सोचना चाहिए, और ये सारा एरिया जितना भी है ये सारा हमारे उसमें आना चाहिए, महाविद्यालय को आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार के हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। कोई और ब्लॉक यहाँ पे बन सकते हैं, ये बीच का जो एरिया है ये भी फंसा है, इसकी फाइल भी एक्वायर करने के लिए सरकार की ओर से ये पहले प्रयास हुआ था लेकिन ये हो नहीं पाया है। बीच में स्ट्रक्चर बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन आपके प्रयास जारी रहेंगे, हो सकता आने वाले समय में हम इस चीज़ को भी टेकअप करेंगे कि इन हमारे लोगों को जिनके घर बने हैं बीच में इनको कहीं और सरकार शिफ्ट करे, इनको भी इनकी व्यवस्था हो, और पूरा महाविद्यालय का जो पूरा एरिया है वो सुंदर व्यवस्थित हो, ताकि शिक्षा के मंदिर के जो पुजारी हैं
इनके तप में, इनकी तपस्या में, इनके त्याग में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, ऐसा ही मेरा आपसे आग्रह है कि इन चीजों के लिए आप जरूर प्रयास करें। और जो हमारी ये जो प्राध्यापकों की पोस्ट है जो 18 खाली चली हुई है, अभी हिमाचल सरकार प्रयास कर रही है कि 562 पोस्टें जो वो शीघ्र एडवर्टीज होने वाली हैं वो होते होते 5-6 महीने लग जाएंगे, तो उसमें तब तो सारे टीचर आएंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे हमारा जो ये फिजिकल एजुकेशन का मामला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1, ये टीचर हमें शीघ्र चाहिए जी। नंबर 2 म्यूजिक, नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन, ये 3 टीचर हमें 18 में से 15 जब आप सरकार देगी हम सह लेंगे, लेकिन ये 3 टीचर हमें बिल्कुल प्रायोरिटी पे चाहिए, इसलिए आपके प्रयास इसके लिए हों ताकि हमारा सेशन अगला, ये सेशन तो हमने जैसे तैसे निकाला है, अगले सेशन में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये हमारे लिए उपलब्ध हो सुविधा, ऐसी अध्यापक यहाँ पे ज्वाइन करें ताकि हम अपने विद्यार्थियों को कुछ दे पाए। एक बार पुनः मैं आप सबका, डॉक्टर केशव जी हमारे बीच में आए हैं, जितने भी गणमान्य वर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है, इन सबका मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और विशेषकर आज के मुख्य अतिथि श्री पवन नैयर जी, माननीय विधायक जी का मैं को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल करके हमारे बीच में आए और ऐसा संबंध आपका इस महाविद्यालय से बना रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और जुझारूपन आपका बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सत्र 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है आपके समक्ष। अभी तक हम अपने सिस्टम को खेद है, आप सबकी आप सबके मनोरंजन हेतु हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
एक सांस्कृतिक प्रस्तुति संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारितोषिक वितरण। सबसे पहले अकादमी को करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर हेमंत पाल जी को कि वो मंच पर आए और अकादमी पुरस्कारों की घोषणा करें। पुरस्कार वितरण के लिए मैं गुजारिश करूँगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से श्री पवन ने यह जाए डॉक्टर हेमंत पाल। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज ये जो बच्चे हरिलाल सन ऑफ श्री निर्मल एमए इंग्लिश फर्स्ट इन एग्रीगेट इन फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट इन एमबीजी 401 402 403 एंड सेकंड इन एमबीजी 404 फर्स्ट इन एग्रीगेट इन थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट इन एमबीजी 302 30 सेकंड इन एग्रीगेट इन फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट इन एमबीजी 403 सेकंड इन एमबीजी 404 सुनील कुमार सन ऑफ श्री ठाकुर दास एमए इन इंग्लिश सेकंड इन एग्रीगेट इन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सन ऑफ श्री सुनील कुमार बक्सी बी वॉक एच डी बी वॉक ए सेकंड इन बी वॉक एच डी बी एग्रीगेट फर्स्ट इन बी वॉक एच डी सिक्स सेमेस्टर एंड फर्स्ट इन सेक्टर स्किल काउंसिल असाइनमेंट एंड हॉस्पिटलिटी। नेक्स्ट इज पुष्पा कुमारी पुष्पा के पेपर फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट सालू भाई ताली बजाते रहे मुझे बोलना पड़ता है बार बार पटवर। नेक्स्ट शिशु कुमारी डॉटर ऑफ श्री केवल पीजीडी। नेक्स्ट वंदना देवी डॉटर ऑफ श्री दीपराज पीजीडीसी पास आउट वंदना डॉटर ऑफ श्री दीप कुमार सिस्टम एंड फर्स्ट इन फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्टर ऑफ श्री राजकुमार अनामिका शर्मा डॉक्टर ऑफ श्री राजकुमार बी वॉक एस टी अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट कॉमल सेकंड इन स्टोर ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फर्स्ट इन स्टोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्स्ट इन बिजनेस कॉमेडी बत्सल सिंह बिजलवान सन ऑफ श्री रमेश सिंह प्लीज हाथ रेज करें 101 103 104 एंड 102 सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट इन एमबीजी 201 2 एंड 204 सेकंड इन एमबीजी फर्स्ट इन पेपर 201 एंड 204। नेक्स्ट कोमल शर्मा बाला डॉक्टर ऑफ श्री रवि दत्त कंचन बाला डॉक्टर ऑफ श्री रवि दत्त एमए इन हिंदी semester first in paper 401 second in 402 and 403 semester first in paper 401 40 second in paper 402 and 403 next come in 404 next simran kumar simran thakur history simran now lakshmi mba history तारियां बजाते रहे फिर भूल जाते बीच में। नेक्स्ट अनीता शर्मा चूरू राम राकेश कुमार एमए इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 14 सेकंड पेपर 15 एंड फर्स्ट इन पेपर 16 दीक्षा कुमारी डॉक्टर एंड फर्स्ट इन बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर सौरभ पुरी श्री योग नारायण इस पे कमेटी के पास जाएं सिग्नेचर करें अपना सर्टिफिकेट और एक कूपन जो है वो जरूर लेके जाए। सिक्स सेमेस्टर बबीता कुमारी यादव सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट एंड फर्स्ट इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज पवन कुमार नेक्स्ट इज अनामिका शर्मा डॉटर ऑफ श्री राजकुमार अनामिका शर्मा स्किल काउंसिल असेसमेंट एंड फर्स्ट इन टूरिज्म प्रोडक्ट फर्स्ट इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश स्किल काउंसिल लेवल 5 एंड सेकंड फर्स्ट इन लर्निंग फॉरेन इंग्लिश फर्स्ट इन स्टोर ऑपरेटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट फर्स्ट इन स्टोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेकंड फर्स्ट इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तान्या चंद्रा डॉटर ऑफ श्री जितेंद्र चंद्रा काजल डॉटर ऑफ श्रीमान सिंह एमए इन हिंदी सेकंड पेपर 2042 हिमानी देवी डॉटर ऑफ श्री 203
प्लीज तालियां बजाते रहे। आंचल कुमारी, आंचल दीक्षा ठाकुर हाथ रेस कर दे। सेकंड टॉपर इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमए हिंदी, वे जोरदार तालियां क्योंकि ये सेकंड टॉपर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, मतलब पूरे हिमाचल में हिंदी डिपार्टमेंट में सेकंड पोजीशन पे है। श्री महेंद्र कुमार एमए पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट टॉपर इन एग्रीगेट ऑफ सेकंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट इन पेपर थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अनीता देवी, डॉटर ऑफ श्री देशराज एमए पॉलिटिकल साइंस, बीबीए पास आउट। हिमानी शर्मा, डॉटर ऑफ आशु देवी, डॉटर ऑफ सुरजीत सिंह, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट एम बी बी ए सेकंड सेमेस्टर एंड सेकंड इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अर्चना देवी, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड इन सेक्टर स्किल काउंसिल असेसमेंट, फर्स्ट इन बेसिक ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट टू टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। नेक्स्ट मनीष असेसमेंट। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज अंशिता, फंडामेंटल अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर स्किल वन सब्जेक्ट। कविता कुमारी, डॉटर ऑफ श्री जर्म सिंह एमए इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इन एमए थर्ड सेमेस्टर। सन ऑफ श्री चैनलाल, ललित कुमार सन ऑफ श्री चैनलाल एमए इन इकोनॉमिक्स। सुनेहा कुमारी, डॉटर ऑफ श्री नरेश कुमार एमए इकोनॉमिक्स, डॉटर ऑफ श्री जैसी राम एमए इन इकोनॉमिक्स सेकंड इन एमए फोर्थ सेमेस्टर। नवनीत कुमार सन ऑफ श्री जर्म सिंह एमए इन इकोनॉमिक्स सेकंड इन एमए फोर्थ सेमेस्टर। तेज राम, अनुप कुमार के बाद पर राशु देवी डॉटर ऑफ श्री प्रकाश चंद एमए इन हिंदी। भक्त राम एमए इन हिंदी। सलोनी देवी शांतो देवी डॉटर ऑफ श्री ज्ञानुराम। फर्स्ट इन पेपर सेकंड शिल्पा थ्री सेकंड इन पेपर फर्स्ट। वर्षा कुमारी एमए हिस्ट्री सेकंड इन। काजल शर्मा एमए इन हिस्ट्री। शबनम एमए इन। शिल्पा कुमारी एमए इन हिस्ट्री। अंजलि एमए इन हिस्ट्री। ओम प्रकाश एमए इन हिस्ट्री सेकंड इन पेपर 11। अंजलि एमए हिस्ट्री सेकंड पेपर 11th एंड 12th। सतपाल एमए इन हिस्ट्री इन पेपर 5th। निशा डॉटर ऑफ श्री सफी मोहम्मद एम पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 6th। डिंपल कुमारी डॉटर ऑफ श्री कुलदीप कुमार एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड। सुहासी डॉटर ऑफ श्री केर सिंह एमए इन पॉलिटिकल साइंस। श्री दिव्या प्रसाद डॉटर ऑफ श्री दिव्या प्रसाद एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 7th। अधु कुमारी डॉटर ऑफ श्री गर्गो राम एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 11th। निशा कुमारी डॉटर ऑफ श्री चतुर राम एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 10th। कुमारी डॉटर ऑफ श्री बिहारी लाल एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट इन पेपर 10th एंड सेकंड इन पेपर 12th। सूरज कुमार सन ऑफ श्री हंस राज एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 12th। प्लीज तालियां बजाते रहे सूरज कुमार सेकंड पेपर 12th। सुरेश कुमार सन ऑफ श्री देवी सिंह एमए। सपना कुमारी डॉटर ऑफ श्री गुमन सिंह एमए। भक्तो श्री गुरुदेव एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट इन पेपर 15th। सरिता डॉटर ऑफ श्री सतीश कुमार एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट इन पेपर 15th। सुधीर कुमार सन ऑफ श्री हेमराज एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर 40। रुमाल सिंह पठानिया एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकंड इन पेपर सिंह बीए फर्स्ट इन 12th। सिमरन ठाकुर जो फर्स्ट ईयर के प्राइजेस हैं वो प्लस टू के बेस पे दिए इन 12th। मोनिका डॉटर ऑफ श्री खेम सिंह बीए सेकंड ईयर। सुरजीत कुमार डॉटर ऑफ श्री मनजीत सिंह का सुरजीत सिंह जीत सिंह बीए सेकंड।
सेकंड ईयर, सेकंड इन बीए फर्स्ट ईयर, लक्ष्य कौंडल, नेहा शर्मा, रितेश छाबड़ा, डॉटर ऑफ श्री, सॉरी रितेश छाबड़ा सर नाम से, बंसी लाल छाबड़ा, थर्ड इन बीए सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट इन ट्वेल्थ, अर्पिता बसंत, डॉटर ऑफ श्री राकेश कुमार, बीएससी फर्स्ट ईयर, सुशील कुमार, सन ऑफ श्री भवन, साक्षी ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री तिरकराज, बीएससी सेकंड ईयर, नेहा कुमारी, डॉटर ऑफ श्री कमलेश कुमार, बीएससी सेकंड ईयर, डॉटर ऑफ श्री जोरदार तालियां बजाएं, बामिका नियर, डॉटर ऑफ श्री निवीन नियर, फर्स्ट इन बीएससी, सेनिका ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री मंजीत सिंह, सेकंड इन बीएससी सेकंड ईयर, रितिका ठाकुर, संजय ठाकुर, सन ऑफ श्री प्रहलाद ठाकुर, थर्ड इन बीएससी सेकंड ईयर, दीक्षा ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री रणधीर ठाकुर, दीक्षा ठाकुर, सन ऑफ श्री रणधीर ठाकुर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, डॉटर ऑफ श्री सेकंड इन ट्वेल्थ क्लास, नेक्स्ट देश कुमार, सन ऑफ श्री विनोद कुमार, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड इन मल्होत्रा, डॉटर ऑफ श्री रविंदर मल्होत्रा, थर्ड इन ट्वेल्थ, देवांशी, डॉटर ऑफ श्री जतिन महाजन, सेकंड इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, प्रियंका शर्मा, डॉटर ऑफ श्री तिरकराज, थर्ड ईयर, अभे सन ऑफ श्री जितेंद्र गुप्ता, भारती डॉटर ऑफ श्री प्रकाश, थर्ड इन बीकॉम सेकंड ईयर, सन्नी कुमार, सन ऑफ श्री अमरनाथ, बीसीए पास आउट बैच, सन्नी कुमार, जसविंदर सिंह, सन ऑफ श्री प्यार सिंह, बीसीए पास आउट बैच, अक्षिता, डॉटर ऑफ श्री मगध राम, बीसीए सिक्स सेमेस्टर, फर्स्ट इन बीसीए थर्ड सेमेस्टर, अक्षिता, शालिनी, डॉटर ऑफ श्री देशराज, बीसीएससी, याशिका शर्मा, डॉटर ऑफ श्री नवल किशोर, सेजल ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री कमल सिंह, बीसीए फोर्थ, सादगी डॉटर ऑफ श्री मंगतराम, प्रांजलि राज संडेलिया, डॉटर ऑफ श्री विनोद राज, बीबीए सिक्स सेमेस्टर, गरिमा महाजन, डॉटर ऑफ श्री सुनील महाजन, बीबी, डॉटर ऑफ श्री मान सिंह, सूरज कुमार साउथ बैच, सूरज कुमार, सन ऑफ श्री करनैल सिंह, ईजीडीसी पास आउट बैच, बैच की शारदा कुमारी, डॉटर ऑफ श्री राजकुमार, बीवॉक एचटी, सन्नी कुमार, सन ऑफ एचटी, अतुल जनरोटिया, सन ऑफ श्री सुरेंद्र, रोहित, सन ऑफ श्री देशराज, बीवॉक एचटी, एक लेट श्री योगराज, बीवॉक आरएम, साहिल कुमार, एम हर्ष ठाकुर, सन ऑफ श्री टेकचंद, बीवॉक आरएम, साहिल, डॉटर ऑफ श्री संजीव कुमार, बीवॉक आरएम, अमन कोटवाल, सन ऑफ श्री अनिल कुमार, बीकॉम आरएम। प्लीज तालियां बजाते रहें, बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें। नेक्स्ट आदित्य महाजन, सन ऑफ श्री विनय महाजन, बीकॉम आरएम, मुस्कान बेग, डॉटर ऑफ श्री शफी बेग, बीवॉक आरएम, काजल ठाकुर, सन ऑफ श्री, डॉटर ऑफ श्री धर्म सिंह, बीवॉक आरएम, तनिषा शेख मांडला, अभिषेक मांडला, सन ऑफ श्री अनिल कुमार, बीवॉक आरएम, देशराज, सन ऑफ श्री भूत राम, बीवॉक आरएम, अविदा, डॉटर ऑफ श्री याकूब खान, बीकॉम आरएम, मम्मी राज, अनंत पाल, रेंद्र पाल सिंह, बी वॉक आर एम, सेकेंड इन,
माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा सदर, महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सिद्धियाल सिद्धियाल जी, श्री विजय नाग जी प्रदेश प्राध्यापक पीटी अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई अश्विनी नैयर जी, श्रीमती नीलम नैयर जी, श्री जसवीर नागपाल जी जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष हैं, पीके सोनी जी, श्रीमती सीमा कश्यप जी, डॉक्टर केशव वर्मा जी, और यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और मेरे यहाँ पर आए पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवदाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस कॉलेज में मेरा ये एक महीने में दूसरा दौरा है। पिछली बार मैं आया था यहाँ पर जो रोजगार मेला लगा हुआ था, और हालांकि आज हमारे जो है कल हमारा एक फंक्शन भी है, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो कल है, तो मैं तो इनकार कर रहा था, पर इन्होंने कहा कि नहीं आज आई चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस कॉलेज में आके मेरे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहीं पर पढ़ा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को बताएं कि इस कॉलेज की स्थापना जो है वो 15 मई 1958 को इसमें पहले ये ऊपर रंग महल में हुआ करता था, पहले ये अखंड चंडी पैलेस में, और आज के लिए यहाँ शिफ्ट कर गए यहाँ पर ये, और पहले पूरे चंबा जिले में सिर्फ एक ही ये कॉलेज था ये, और यहाँ से जैसे पांगी भरमौर और तीसा सरूनी से सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। अभी मैं जो साहब से बात कर रहा था, इन्होंने कहा अभी भी ये जो तीसा से भरमौर से और पांगी से लोग अभी भी यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि चाहे जिसकी मर्जी सरकार हो, उसके बाद सरूनी में कॉलेज खुल गया, पांगी में खुल गया, भरमौर में खुल गया, चुआड़ी में खुल गया, बड़ी खेत में खुल गया, तो जितनी भी चाहे सरकारें सबका यही प्रयास था कि बच्चों को अपने नजदीक से नजदीक स्कूल में जाकर में जो है ये शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने आपको पूरी डिटेल से गतिविधियाँ बताई कॉलेज की सारी इसमें, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इसको उत्कर्ष महाविद्यालय में जो है इसको शामिल किया गया है, और 1 करोड़ रुपया जो है इसको यहाँ पर इस कॉलेज को दिए, कि जिस तरीके आपने देखा ये स्टेज का काम चला हुआ है, बाउंड्री वॉल का काम चला हुआ है यहाँ पर, और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ प्रिंसिपल साहब को, मैं भी बात कर रहा था इनको इनके साथ, जितनी पेन ये ले रहे हैं मैंने आज तक नहीं कभी देखा किसी, और पूरा स्टाफ जो है इनके साथ, मैं भी बाकी जो यहाँ पर पद खाली हैं अध्यापकों को मैं देख रहा था, ये बहुत ज़रूरी है, और इनके से एक मेरे को इन्होंने 2 मेमोरेंडम भी दिए, और मेरे पूरा विश्वास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था चंबा का 12 तारीख का, अब मेरे को लगता है कि अरे नड्डा जी शिमला रहे हैं तो ये 16 तारीख को मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री चंबा आएंगे, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि एम कॉम की और क्लासेज जो यहाँ पर हमें एक एम कॉम है और एक दी इन्होंने MSc, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो खोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं, ये मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता यहाँ पर, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि एम कॉम और MSc की कक्षाएं हम यहाँ पर शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। इसी तरह ये भवन ये जब माननीय मुख्यमंत्री पहली बार चंबा आए थे तो यहाँ पर इन्होंने PG ब्लॉक का इन्होंने शिलान्यास किया, उस वक्त ये जो PG ब्लॉक थी ये सिर्फ 3 स्टोरी की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री का नहीं इसको 5 स्टोरी कर दो, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी इन्होंने 5 स्टोरी के लिए पैसे भी दे दिए हैं। मैं भी एक्सी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसका पूरा ड्राइंग वगैरह बना के हमने चीफ इंजीनियर को भेज दी है, और मेरे पूरे विश्वास है कि बहुत जल्दी जो है इसका काम भी शुरू हो जाए, 5 स्टोरी इसका, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एक और प्रिंसिपल साहब ने डिमांड की थी कि जो ऊपर हॉस्पिटल है इससे बालू के लिए भी ये सड़क जो है गाड़ी के लिए बन जाए ताकि बच्चों को आने जाने की सुविधा हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी, और कल जो है इस रोड का टेंडर खुलने जा रहा है, और बहुत जल्द जो है 2 करोड़ 30 लाख से ये सड़क, और ये
भी नया बनेगा। गल की अगर इस महीने जो है ये दोनों ब्रिज और जो सड़क का काम जो है ये इसका जो है शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी आपने देखा कि मेरा जितने भी स्टूडेंट उनसे भी अनुरोध है कि जो भी आपने बात कहनी है डिसिप्लिन में क्या की बात की अगर, और ये मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपने अपने गुरुओं की सेवा की, गुरुओं की बात मानी, माता पिता की बात मानी, आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो गया। ये मेरी पूरी ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आपने गुरुओं की सेवा की, अपने माता पिता की सेवा की, आपको फल इसका जरूर मिलेगा। तो मेरे जितने भी यहाँ छात्र और छात्राएं मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा इनसे अनुरोध है सारा कि ये पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और ताकि ये चंबा का नाम रोशन कर। आपने देखा कि इस कॉलेज से ही इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट निकली आपके सामने यहाँ देश विदेशों में जो है इन्होंने चंबा कॉलेज का नाम रोशन, जैसे डॉक्टर सलारी जी यहाँ पर, हमारे डॉक्टर सिंहदयाल जी या कई इंजीनियर निकले, कई डॉक्टर निकले यहाँ से, तो मैं आपके सामने यहाँ से मिनिस्टर निकले, MLA निकले आपके सामने, मैं MLA बन के आपके सामने खड़ा हूँ, तो इस कॉलेज की बड़ी भारी देन है यहाँ पर। तो मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि डिसिप्लिन में रह के भी काम करें और मुझे जिस तरह से प्रिंसिपल साहब काम कर रहे हैं मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूँ, पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने ये तीन ये कही कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक म्यूज़िक और फिजिकल एजुकेशन, इनके जो है यहाँ पर इसके पर्याप्त नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके और एजुकेशन मिनिस्टर से और शक्ति साहब से करके जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर इनके व्यवस्था करूँगा ताकि यहाँ पर भी म्यूज़िक और इसके बाकी हमारी जहाँ तक खेल मैदान का सवाल है मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ, जितनी जगह खाली यहाँ पर पड़ी हुई है मैं पूरे DC साहब से बात करके और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनसे बात करके हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि कॉलेज में खेल मैदान तो होना चाहिए अब, तो हम पूरी कोशिश होगी हमारी कि जल्दी से जल्दी आपको खेल मैदान भी प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बाद में आपने मत बोलो कि आपने अनाउंसमेंट की थी, इसलिए ये जितनी अनाउंसमेंट है ये सारी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, परंतु तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो चाहे MCOM चाहे MSc ये हम माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करा के देंगे। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर प्रिंसिपल साहब का और सारे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारा कर्मचारी से स्वागतम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी यहाँ पर छात्र और छात्राएं यहाँ पर बैठी मेरी उनसे पूरी उम्मीद है कि ये अपने चंबा कॉलेज का पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, चंबा कॉलेज का नाम पूरे हिमाचल में और देश में चंबा का नाम रोशन करें। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सब लोगों का, खासकर प्रिंसिपल साहब का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि कल हमारा मैंने जैसे आपको बोला स्थापना दिवस है, इसलिए मैंने अभी ये बोलती सीधे मैंने सर्कल हो जाना है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आप सब का लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने कर्म जोशी के साथ स्वागत किया। जय चंबा जय। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद रहे श्री जसवीर नागपाल जी, इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता की वजह से हमारे कार्यक्रम के बीच में से जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा प्राचार्य महोदय से कि वो मुख्य अतिथि श्री पवन अय्यर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। स्मरण में रहे 64वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की याद दिलाते रहे माननीय मुख्य अतिथि श्री पवन अय्यर जी, धन्यवाद सर। नशों में जकड़ते चले जा रहे हैं, नशे की बुराई और उसके दुष्प्रभावों को व्यक्त करने जा रही हमारी एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे राजकीय महाविद्यालय चंबा के विद्यार्थी, प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लघु नाटिका। बापू टीवी धरो।
भी दिख रहा जिंदगी भर करना भी है कुछ। जवान लड़ा चील की निकाय है मेरी।
ये रहा देखो कि मक्का ए भैया चोले ना पिया भैया वाह इतना लंबा
स्टार्ट करी जांदा नहीं तो बापूंगा भी नगर वही नहीं बाकी जानदा मैं फिर जिला दे फोन टकरी खड़ा मैंने जो कपड़े धोने कह दिया लाड़ी रे मैं जी बोले बाहर बाजार काम में मेरे जो ठग गया है मुझे ये लाड़ी के कपड़े धोने इम्पोर्टेंट होंगे ना इम्पोर्टेंट काम होता सारे का ये मेरा कमरा भी रबी रह क्यों लगता मेरा बटुआ भी गायब है पैसे खुद की मेरे अच्छा 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 मुझे लग रहा मैं पिछले महीने अपनी लाड़ी सूट ले गई नहीं दिता ना चेह लेगी उन्हीं पैसे कट्टी करी ये करता मैं चुप बैन नहीं था झाड़ू मैंने मार दी मैं चबड़ा भारी पापा डर लग रहा मेरे जो था पूरे छोकरों को गायब हो गए मैं बोल रहा थी तबे अज तो मैं पढ़ी रहना यार बड़े दिन दिन का बदलिया लगता है पता नहीं कुछ चली जाता रोज दिन दोपहर होती था अज ये करता मैं सिर्फ पीछे जाना भला जानता था जानता कुछ से ये करता मैं सिर्फ पीछे जाना अज हाँ क्या कुछ पता क्या करता इसे मेरा पेट कर लेता वो इंदा था इतनी दिख रही है मैं पर गया कुछ भला अली रख पूछिए नहीं दिख वो धूप से पड़ी पानी है करता पी गई आराम कर लेता थोड़ी देर आए आए पूछ गया वो यार लग रहा मैं जो आई गया यहाँ करता कोड़ वोड़ करता रही उसे चिट्टा 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 देवाना पानी है चिट्टा वो दिहाड़ी वाला पानी है चिट्टा कौन मांगता है ये करता इन्हीं धूप अंदर में जो प्रसीना लगे ये ये तो ये ले वाले पानी है चिट्टा पानी का कौन सुट्टे चिट्टा ये करता धुआं वाला कोड़ वाला पैना करना यूज गांजा 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 वो मेरे बाबा है नहीं भाई मैं नहीं गांजा तू गांजा तेरा पापा गांजा तेरा पूरा खानदान गांजा मिंजो गांजा बोलता वो कंजरा के वाला माले दिख है क्या माले वो इतने माले वो एक चीज है हैं एक चीज है धूप धूप क्यों बेचता है जेबी दूर आ गया आंधा तो बत्ती आंधा ना बत्ती अलग अलग धूप पाना बोली मैं यार कमाल है यार धूपे की बत्ती भी घटाई थी पर ये है कौन बंदा अच्छा ये वाला है देख हम दिया हुआ एक और चीज है देख एक और चीज है वो लूने की थैली वो यार लूने की थैली अली की थी वो एक दाढ़ी अभी नहीं होना तेरा थोड़ा कला बड़ी घाटे लूने की थैली भेजता तू ओ अब पे लगे मिंजो पता ये सांझी दुकानदार है आजकल इसे ना माल नहीं बिका करता ना ब्लैक अंदर माल बेचता है हाँ सुन ले मेरी गल एक बीड़ी ना बंडर तारा बीड़ी देख करने तेल लेरी बोतल लिख ले ठीक है मैं घर में लेने आज पकोड़े बनाने हाँ क्या बात है पर यार लूने की थैली में साइज़ इशू बढ़ाना चाहिए था है क्या सीन है ओ यार लूने दी लूने की थैली आई रही है यार ब्रेस चल गया ओ राइट ठहर ये रुक गया ठहर नहीं उन्हीं ना बापू इतने क्या करता पता ओ यार नहीं पांदा बाना ही करता ओ ब्रेस यार ओ नासे के बापू मेरा हूँ बापू नासे में तेरी अरे लूने तेरी साइज क्यों बढ़ाया नहीं मुझे समझ नहीं दिया ली तक बड़ी गांठ मेरा एक सब्जी भी नहीं बड़ी धूप लगी है यहाँ करती पे ही जानती ओ एक मिनट एक मिनट मैं इस आसमान भी मंगाई ली थी आगे नहीं मेरे जो लूने की थैली भी दे दी थी पर इन्हीं लूने की थैली देने टाइम मम्मी जो कंजर बोल रही थी अब ब्याह में जो जीता तू मम्मी जो कंजर बोल रहा तू कंजर तेरा पापा कंजर तेरा खानदान कंजर तेरे कुत्ते बकरी सारे कंजर मैं जो कंजर बोल रही मजूरी करिए तू सब पढ़ाना भेज दे तू से दे दे काम कर दे ओ मैं क्या करूं मैं परवा
जवान बापू माना था अली तीन चार लाड़ी करने की उम्र मेरी अली हां चला मम्मी का मेरा मतलब तीन चार लाड़ी करने रोड नहीं है मैं ही अलग बोलता मम्मी की नहीं बताना ठीक है ठीक है सुन मेरी गल चल मेरे पीछे पीछे करे जे आज का बात है ना सीखी दे तम मैं तू पढ़ दीते अभी ही फिर आपको हां तेरा प्रेस यार बाप मेरा सही बोल रहा सही बोल रहा यार बोले अरे छोड़ देना चाहे जैसे मैं यार छोड़ देते बाबा छोड़ देते और फिर याद करके नहीं छोड़ दरा एक लोग ये रोना दीजो बते दे किस दे पीड़े में आप मुझे भी हो जल्दी कर जल्दी कर मार मुझे बी ए थर्ड ईयर
इन लॉन्ग जंप, फर्स्ट इन 100 मीटर, फर्स्ट इन करो, फर्स्ट इन लॉन्ग जंप, फर्स्ट इन 100 मीटर, फर्स्ट इन सेकंड अंडर 200 मीटर, फर्स्ट इन हाई जंप एंड सेकंड इन रिले रेस। निशान पाजन थर्ड इन जैवलिन थ्रो। अंकित ठाकुर फर्स्ट इन हाई जंप एंड सेकंड इन रिले रेस। फर्स्ट इन 100 मीटर, फर्स्ट इन 800 मीटर, सेकंड इन लॉन्ग जंप एंड सेकंड इन थ्री लॉन्ग जंप, सेकंड इन 400 मीटर, सेकंड इन 800 मीटर। अबू कुमारी डॉटर ऑफ श्री निकुराम फर्स्ट इन डिस्कस थ्रो, सेकंड इन 100 मीटर, फर्स्ट इन 800 मीटर, 1500 मीटर। नेक्स्ट मुनीश कुमार थर्ड इन 100 मीटर एंड सेकंड इन रिले रेस। पंकज एंड फर्स्ट इन रिले रेस, थर्ड इन 200 मीटर एंड थर्ड इन रिले रेस, फर्स्ट इन जैवलिन थ्रो एंड थर्ड इन रिले मीटर एंड थर्ड इन 800 मीटर। पंकज कुमार सरोज जर्मू सेकंड इन 1500 मीटर फाइनल में। कुमारी श्री नीलचंद सेकंड इन शॉर्ट पुट वुमेन, थर्ड इन शॉर्ट पुट वुमेन। प्रेम सिंह थर्ड इन डिस्कस थ्रो वुमेन, थर्ड इन डिस्कस थ्रो। दिलदार अली सरोज श्री रमजान थर्ड इन 400 मीटर, सेकंड इन 400 मीटर, सेकंड इन 400 मीटर शॉर्ट पुट। भावना कुमारी, भावना प्रशांत ठाकुर डिस्कस थ्रो, अजय कुमार इन डिस्कस थ्रो 5000 मीटर रेस में सेकंड पोजीशन की रेस, 5000 मीटर इन 500 मीटर रेस, थर्ड इन 500 मीटर। नेक्स्ट है ईशा, ईशा डॉटर ऑफ श्री शिव मीटर। खेराज कुशल थर्ड इन 100 मीटर। नेक्स्ट है फर्स्ट इन रिले रेस 100 निशांत अंकुश, अंकुश इन 200 मीटर। फोर्थ जो हमारी जो खेलकूद प्रतियोगिता हुई है इसमें एक इवेंट जो है वो हमारे लेडी स्टाफ के लिए था और एक इवेंट था हमारा जेंट्स स्टाफ के लिए, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर संतोष, मिस्टर संतोष। सेकंड पोजीशन प्रोफेसर अनित, प्रोफेसर अनित जोरदार तालियों स्वागत करिए। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बीसीए डिपार्टमेंट से मेरा निवेदन रहेगा प्राचार्य महोदय से को श्री शिष्टन्य जी को उनके भी चीफ गेस्ट रह चुके हैं सेवानिवृत्त प्राचार्य आज के महाविद्यालय चंबा क्रिकेट की दुनिया में ये एनएसएस रेड रिबन क्लब रूरल रेंजर्स और एक भारत छे सेकंड पोजीशन ब्रैकेटेड गोज टू सुरेक्षा ठाकुर नेहा शर्मा तीसरे स्थान पर ही हैं आकृति भल्ला थर्ड पोजीशन गोज टू सोनिका शर्मा अगेन सोनिका शर्मा फोटोग्राफी कंपटीशन फर्स्ट पोजीशन हैज बीन बैक बाय किरण बाला सेकंड पोजीशन गोज टू धीरज प्रकाश सुदीक्षा ठाकुर आने के लिए स्पेस देकर उनका एक और प्राइज है एक और है कल्पना शर्मा
कॉम्पिटिशन ब्रैकेटेड गोज टू कल्पना कुमारी सॉरी कृतिका ठाकुर तालियां बजती रहे नेहा शर्मा बहुत सारी उसके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता नेहा शर्मा एंड कल्पना शर्मा कृतिका ठाकुर एंड दर्शना दोनों को थर्ड पूजा कल्पना कुमारी एंड सपना जल्दी एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इलेक्शन डिपार्टमेंट के तत्वावधान में वोटर एजुकेशन के लिए 16 सितंबर तीसरे स्थान पर रही है कीर्ति सेकेंड पोजीशन पे भूपेंद्र शर्मा और लेखराज भूपेंद्र शर्मा और अंकुश खुशबू बी सेकेंड ईयर थर्ड पोजिशन अगेन गोज टू सुदीक्षा ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे हैं मृदुल और मोहित सुदीक्षा ठाकुर और कृतिका ठाकुर उसके बाद पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट पोजिशन गोज टू तमन्ना इन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन स्मृति ठाकुर ब्रैकेटेड शेयर्ड बाय हर्ष हितैषी एंड स्लाइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजिशन गोज टू तनिष्का ठाकुर तनिष देवी और नेहा शर्मा राखी देवी और नेहा शर्मा थर्ड पोजिशन पे अक्षय वंदना कुमारी विशाल शर्मा और हरनीत ठाकुर उसके बाद ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड ऑन 30th अक्टूबर 2021 अमित कुमार बैक फर्स्ट पोजीशन इन एसएनआईटी कंपटीशन सेकंड पोजीशन गोज टू अंकिता नंदा कल्पना कुमारी उसके बाद वर्ल्ड एड्स डे 2021 स्पेशल कैंपेन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म सेकंड पोजीशन गोज टू हर्षिता ठाकुर अदिति थर्ड पोजीशन गोज ब्रैकेटेड रिया रमेश कुमार कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन पे दूसरे स्थान पर रही है रिया बीए फर्स्ट ईयर एसएनआईटी कॉम्पिटिशन में पहले स्थान पर रहे हैं फिर स्थान पर रहे हैं केहर सिंह दूसरे स्थान पर रही है कल्पना कुमारी अच्छा आप ऊपर आ जाओ जल्दी शर्मा थर्ड पोजीशन होल्डर भूपेंद्र शर्मा पोजीशन होल्डर अगेन क्षितिज कटोच एसएनआईटी मन पार्लियामेंट यशराज सैकड़ा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही है राजकीय महाविद्यालय चंबा की बीए तृतीय वर्ष की नेहा शर्मा जोरदार तालियों से प्रस्थान हासिल किया गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में ये ऑर्गेनाइज हुआ नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में इन्हें भी सम्मान कर रहे हैं फिर फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं सोनू खान सेकंड पोजीशन इन ड्रिल गोज टू आकांक्षा रानी हीना ठाकुर ये एनसीसी के हैं दीक्षा कुमारी जल्दी से आए फर्स्ट पोजीशन और सॉन्ग कॉम्पिटिशन में दूसरे स्थान पर रहे हैं ड्यूरिंग आजादी का अमृत महोत्सव एसयूओ ज्योतिका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की दूसरे स्थान पर रही हैं नंदिता मृदुल शर्मा याद रहे ये गतिविधियां सेकंड पोजीशन गोज टू किरणा कुमार श्रेया एमएथर्ड सेमेस्टर
अगेंस्ट कोरोना में राजकीय महाविद्यालय चंबा के टोच ईशु कटोच मनीष कुमार स्टूडेंट्स की उसमें बेस्ट रीडर लाइब्रेरी सेक्शन में साल भर में जो बच्चे बैठे होते हैं उनमें से जो बेस्ट दो स्टूडेंट होते हैं मेन और वीमेन कैटेगरी में उन्हें सम्मानित किया जाता है उनकी जो सिंसेरिटी है उनका जो डिसिप्लिन है उसे देखते हुए बेस्ट रीडर इन लाइब्रेरी सेक्शन गोज टू मिस्टर नीरज कुमार वीमेन सेक्शन इन द लाइब्रेरी गोज टू नेहा बेस्ट वॉलंटियर एनएसएस मेल खेम राज कैंपर फीमेल एनसीसी कैडेट एसडब्ल्यू रिक्शा संजीव कुमार कुशल शर्मा बेस्ट रोवर यशराज शर्मा बेस्ट रोवर ठाकुर काजल ठाकुर आने दे रास्ता छोड़ दे बेस्ट वॉलंटियर रेड रिबन क्लब ऋत्विक ठाकुर एक्टिविस्ट पमेश कुमार नेहा कुमारी बेस्ट कल्पना कुमारी जल्दी से है कुछ बच्चे हमारे आगे थे खेमराज बेस्ट वॉलंटियर एनएसएस इन बच्चों का जो बहुत तन्मयता से कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में बेस्ट कैंपर मेल मानव स्पेशल प्राइज फॉर सेलेक्टिंग इन नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सचिन कुमार सचिन विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया सचिन कुमार रंजू कुमारी मैन कैटेगरी वरुण कपूर बेस्ट होस्टलर बेस्ट होस्टलर हितेश भारद्वाज कविता पाठ में राष्ट्र स्तर तक इसके अलावा कुछ हमारे बच्चों को हमारे शिक्षार्थियों को पढ़ने में मदद करते हैं उन्हें पढ़ाते हैं जिसमें हम उन्हें भी आज इस मंच के माध्यम से इस अवसर सम्मानित करना चाहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिस प्रांजल सलारिया निष्काम सेवा करते हुए ये पढ़ाते हैं मिस प्रांजल करें मिस पल्लवी पिछले 2 सालों से लगभग शिक्षा स्कूल उदयपुर से हमारे डीपी मिस्टर अनिल कुमार शारीरिक शिक्षा में प्रांगत करते हैं उसके आज के जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं कार्यक्रम है उनमें रिया इसके अलावा हमारा सहयोग करते हैं और इन्हें भी हम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहेंगे दो को-करिकुलर एक्टिविटीज के हमारे प्राइज रह गए हैं इन्होंने भाग लेकर जिला स्तर पर सीट नहीं चाहिए, खाली चाहिए सिर्फ।
Thank you.
निशा और सेकंड पोजीशन गोज टू शिखा है कल्चरल पार्टिसिपेशन के जिसमें स्किट के में जुनबत हिमाचली नाटी जो विशेष प्रस्तुति अभी इसके बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी अख्तर ने बीएसएफ के सोलो सॉन्ग में फर्स्ट पोजीशन और सुभाष प्रेम इन्हें भी हम सम्मानित करना चाहेंगे इसके अलावा एक ग्रुप सॉन्ग में भी इनकी प्रस्तुत किया जाएगा कल्चर जितेंद्र ठाकुर जी प्रस्तुत करेंगे धन्यवाद ज्ञापन और अब बुलाना चाहूँगा हिमाचली नाटी के हमारे सभी प्रतिभागी जो है वो मंच पर आए नाटी
अध्यक्ष हो रहा है कि सांस्कृतिक प्रस्तुति राजकीय महाविद्यालय चंपा के एनएसएस यूनिट द्वारा तैयार की गई थी। एक वही प्रस्तुति थी जो 7 दिवसीय विशेष शिविर के क्लोजिंग सेरेमनी में भी आयोजित की गई थी। मेरा निवेदन रहेगा नीलम नैयर जी से, प्राचार्य महोदय से, सीमा मैडम से कि वो फोटोग्राफ के लिए तैयार कराए। तो प्रस्तुत करें डॉक्टर ज्योतिन्द्र ठाकुर। पारितोषिक वितरण समारोह के इस अवसर पर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री पवन नैयर जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी, धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ काफ़ी समय तक यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे बच्चों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करके उनका उत्साह बढ़ाया। अभी वो चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि मैडम नैयर ये हमारा थैंक्स, हार्ट फेल्ट थैंक्स उन तक जरूर पहुँचाएंगे। रिस्पेक्टेबल मैम नैयर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को उत्साहित किया, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं मैडम सीमा कश्यप जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे बच्चों को का उत्साह वर्धन किया। मैं इस अवसर पर कुछ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, वो कुछ किसी कारणवश समय के अभाव से हमारे बीच अभी नहीं है, चले गए हैं, तो मैं ऑन रिकॉर्ड थैंक्स उनको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। श्री मेजर एससी नैयर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, श्री जसपाल नागपाल जी, जसवीर नागपाल जी जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा डॉक्टर डीके सोनी और डॉक्टर केशव वर्मा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे लेकिन किसी कारणवश वो चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं कॉलेज की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। इसके अलावा मैं अपने महाविद्यालय के वर्दी प्रिंसिपल श्री शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए, सफल बनाने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत समय समय पर हमें पड़ी वो मुहैया करवा के दी और अपना गाइडेंस, मार्गदर्शन बीच बीच में ये देते रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स, टीचिंग साइट, नॉन टीचिंग साइट, जिन्होंने वेरियस कमेटीज, डिफरेंट कमेटीज बने हुए थे, उनका मेंबर्स रहते हुए इस कार्यक्रम को संपूर्ण बनाने में, सफल बनाने में योगदान दिया, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर स्टूडेंट्स जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, आजकल आप जानते हैं कि 2 या 3 दिन में शायद हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं, लेकिन इसके बीच भी उन्होंने समय निकाला और इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को रिहर्स किया और आज आपके सामने प्रस्तुत किया और इस प्रोग्राम को रंगारंग बनाया। प्राइज विनर्स, डेफिनेटली ये ऐसा टाइम होता है कि बच्चों का एग्ज़ाम सर पे हैं और एक एक क्षण कीमती होता है, एक स्ट्रैटेजी बना के रखी होती पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो पूरी ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स आए और उन्होंने प्राइजेस लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं।
कल्चरल एक्टिविटीज में स्पेशली गुलशन जी जो लेक्चरर हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है और उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सारी जो कल्चरल गतिविधियाँ आपने देखी ये उन्हीं के उन्हीं ने और प्रिपेयर करवाई थी, तो हम सब की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एनसीसी एनएसएस के वॉलेंटियर्स कैडेट्स और रोवर्स एंड रेंजर्स के स्टूडेंट्स भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की एग्जाम डेज होने के बावजूद भी। फिर प्रेस पीपल जो इस हमारे इवेंट को पीछे भी इसके बारे में लोगों को बता रहे थे और आज और कल भी आप देखेंगे मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक हो या चाहे प्रिंट मीडिया हो ये सारे आयोजन के बारे में बड़ी बड़ी खबरें फोटोज के साथ आएंगी जो कि हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए आगे और ज़्यादा मेहनत करने का सबब बनती हैं। तो मैं प्रेस पीपल का भी धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली जोगिंदर जी चंबा हलचल के जो हमारे बीच शुरू से प्रोग्राम शुरू होने से पहले से अभी तक हमारे बीच बने हैं धैर्य के साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा सारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए अभिषेक जी, ये साउंड सिस्टम जो मैनेज कर रहे हैं, मोबिन शेख जो ये साउंड सिस्टम ऑर्गेनाइज मैनेज कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रोग्राम से जुड़े इसको सफल बनाने के लिए कॉलेज के या कॉलेज से बाहर जितने भी लोग थे उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, एक बार सबका धन्यवाद और सबके लिए जोरदार तालियाँ। और जो बच्चे जिनको प्राइज नहीं मिलना था फिर भी वो यहाँ पे रहे और प्रोग्राम को देखा, ये भी पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों को अपने साथियों को मोटिवेट किया, उन सबके लिए भी उनका भी धन्यवाद और उन सबके लिए जोरदार तालियाँ, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, मेरा निवेदन रहेगा।